हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ी लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग सिटी को छोड़ के किसी एक ऑफबीट डेस्टिनेशन में आके वर्किंग फ्रॉम होम करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक मंथ के लिए रहना चाहते हैं, या फिर दो तीन वीक या फिर एक वीक दो वीक के लिए रहना चाहते हैं, तो उसका क्या कॉस्ट पड़ सकती है, क्या बजट होएगा और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी वाइज कि आप सिटी से कितना दूर रहना चाहते हो। जैसे कि अभी मैं पंगोट में बैठा हूँ जो कि नैनीताल से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है, और अगर हम बात करें कि यहाँ से नैनीताल पहुँचने की इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई भी आपको मेडिसिन लेने जाना है या फिर कोई भी ऐसी नेसेसरी चीज़ है आपकी जो आपको लेने जाना है, तो अराउंड यहाँ से आपको 15 किलोमीटर पड़ता है, जो कि बीच बीच में रोड भी थोड़ी थोड़ी ऑफ रोड है, बट ठीक है। तो आपको सबसे पहले डेस्टिनेशन ऐसी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ से आपकी सिटी जो है ज़्यादा दूर ना हो। और दूसरी चीज़ यह है कि जिस आप प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं या कॉटेजेस पे या कैंप साइट जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बैकअप है या नहीं, बिकॉज हिल एरियाज में क्या होता है कि पावर कट ज़्यादातर होते रहते हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि आप यहाँ आते हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा कितनी अच्छी है। तो आपको हालांकि आके यहाँ पहले ट्राई कर लेना चाहिए इंटरनेट कैसा है, बिकॉज अगर आप पहले ही बुकिंग करा देते एक महीने की और इंटरनेट ना चले तो वो भी वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। तो जैसे कि अभी हम जिस कैंप साइट पर रुके हुए हैं, सॉरी जिस कॉटेजेस में हम रुके हुए हैं, यहाँ पे जियो फाइबर केबल आई हुई है। हालांकि अभी इंटरनेट शुरू नहीं हुआ है, बट जो ओनर है उनका कहना है कि अभी कुछ दिनों के बाद ये चालू हो जाएगा, तो वो वाईफाई की सुविधा भी देंगे। और मैंने जियो के नेटवर्क यहाँ पे देखे थे फोन से, तो 4G चल रहा है। तो अगर ये भी एक बात है कि अगर आप फोन में 4G इंटरनेट चला सकते हैं अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके, तो वो भी हॉटस्पॉट बना के वो भी एक तरीका है। हालांकि 4G अगर आपको बड़े लेवल पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, आई डोंट नो कितना कारगर सिद्ध होगा, बट आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग करते हैं ऑलरेडी, तो वो उससे काम बन सकता है। और नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बजट। सो गाइस, बजट का कुछ ऐसा है कि जो हमने यहाँ पे ओनर है उनसे बात करी इस मामले में कि अगर हम 30 दिन के लिए यहाँ पे रहना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगी और क्या होएगा, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो अगर आप रहना चाहते हो, एटलीस्ट आपको 30,000 पे करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा, लंच इंक्लूडेड रहेगा, डिनर इंक्लूडेड रहेगा, रूम सर्विस इंक्लूडेड रहेगी, और प्लस बंदे भी यहाँ पे रहते हैं, तो आपको सिर्फ रहना है, बाकी सारे काम आपके होते रहेंगे। तो ये है दोस्तों, अगर आप महीने से थोड़ा सा कम रहना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 2 वीक के लिए रहना चाहते हो, 1 वीक के लिए रहना चाहते हो, तो भी उसमें आपको 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ेगा। और हो सकता है कहीं कुछ लोग डिस्काउंट कर दे थोड़ा सा, बट एक ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट है वो आप इतनी मान के चलिए। और जो एडवांटेज एक और मैं बोलूँगा यहाँ पे, अगर आप 2 वीक के लिए 1 महीने के लिए रहने के लिए आ रहे हो, काम करने के लिए आ रहे हो, वर्किंग फ्रॉम होम करने के लिए आ रहे हो, तो आप यहाँ जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि पंगोट से नैनीताल 15 किलोमीटर है, तो एक दिन आप किसी वीकेंड में नैनीताल घूम सकते हो पूरा, किसी वीकेंड में कोई ट्रैक कर सकते हो, किसी वीकेंड में आप आसपास के गाँव को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बर्ड सेंचुरी है बेसिकली, तो यहाँ आप फोटोग्राफी के लिए सुबह जा सकते हो, मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट, आप मेडिटेशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल बहुत पीसफुल एरिया है और कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और जो नेगेटिव चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे, नेगेटिव चीज़ एक हो सकती है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। अगर जो ओनर है उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा अगर हेल स्ट्रॉम पड़ते हैं यहाँ पे, या फिर कभी जैसे स्नोफॉल हो जाता है अगर वैसे टाइम पे आ रहे हैं विंटर्स में, और बहुत ज़्यादा रेन अगर यहाँ हो जाती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कट है वो काफ़ी लंबा चलता है। तो जो इनका पावर बैकअप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 दिन का, अगर आपका वो 3 दिन तक पावर कट चलता है तो वो भी फेलियर हो सकता है। तो हो सकता है आपको 1 महीने में 2-3 बार छुट्टियाँ इस चक्कर से लेनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो, तो एक ये भी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर आपके पास अपनी व्हीकल नहीं है। हालांकि जो भी लोग आएंगे मोस्टली वो अपनी कार लेकर ही आएंगे या अपनी व्हीकल से यहाँ पर आएंगे रहने के लिए, तो क्योंकि अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं होगा तो आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी। आप यहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी जाना चाहते हैं, ऐसे नैनीताल 15 किलोमीटर है, तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से बहुत मुश्किल है और कई बार आपको मिल भी सकता है, कई बार नहीं भी मिल सकता है। तो अगर आप आते हैं तो आपको अपनी व्हीकल लेकर ही आना चाहिए। और इसके अलावा तो कुछ नेगेटिव मुझे लगा नहीं दोस्तों। अगर आपका बजट है इतना और अगर आप चाहते हैं, आपको एक माइंड में क्लियर सेट है कि मुझे करना है वर्किंग फ्रॉम होम किसी ऑफबीट डेस्टिनेशन से, तो आप आके डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा तो मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव लगा नहीं, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ एक दिन, तो इस वजह से मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल भी लग रहा है। हालांकि वो तो इंटरनेट की स्पीड के बाद ही पता लगेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप आइए, एक हफ्ते के लिए आइए, एक हफ्ते के लिए भी नहीं, आप पहले 1-2 दिन के लिए आइए और यहाँ पे पूरा एक बार टेस्ट ट्रायल कीजिए कि अगर 3 दिन तक यहाँ पे काम कीजिए नेट से तो कैसा रहता है, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए अगर आप मंथ का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपके थॉट्स हैं, आप कुछ भी उसमें ऐड करना चाहते हैं, या कोई भी प्रोज एंड कॉन्स ऐसा जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।